नमस्कार सलाम एंड वेलकम किंगडम ऑफ क्रिकेट देख रहे हैं आप और जनाब। आप और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोहित की जगह ये खिलाड़ी बनेगा टीम इंडिया का कप्तान। आगामी दौरे से पहले होगा बड़ा ऐलान। टीम इंडिया का वेस्टइंडीज दौरा 13 अगस्त को खत्म होगा। फिलहाल दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद दोनों टीमें 3 वनडे और 5 T20 मैचों में आमने सामने होंगी। इस सीरीज के बाद टीम इंडिया को आयरलैंड का दौरा करना है। टीम इंडिया के नए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में इस सीरीज के लिए टीम का चयन किया जाएगा। इस दौरे से पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली T20 सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। अब खबर सामने आ रही है कि आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भी इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है। इस सीरीज में भी टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा की जगह ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सौंपी जाएगी।